बीएल शर्मा यह दावा करते हैं कि दिसंबर 1949 को सुबह जब रामलला बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए उस समय बीएल शर्मा मौजूद थे। बीएल शर्मा का यह भी दावा है कि रामलला को दिसंबर में एक साजिश के तहत प्रकट कराया गया था। उस समय बीएल शर्मा अयोध्या में सेना के वारंट अधिकारी के रूप में तैनात थे। बीएल शर्मा रिपोर्टर को बताते हैं, तो महंत रामदास जी ये फौजी बाबा माने जाते थे, वो हमारी यूनिट में भी आते थे हर संडे। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि फला दिन हमारा ख्याल है 15 दिसंबर होगा, ऐसे ऐसे रामलला विराजमान होने हैं। 1949 में जो रामलला विराजमान हुए जी, तब मैं मिलिट्री पुलिस में था फैजाबाद जी। तो हमारे साथी भी कुछ गए थे वहां, ठाकुर गुरदत्त सिंह। आप मिलिट्री में थे? हाँ, मिलिट्री पुलिस में जी। और ठाकुर गुरदत्त सिंह थे जी, वहाँ के जिला क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी। और नैयर साहब थे, नैयर में नायब जी, वो भी थे कुछ पता नहीं, बड़े अधिकारी। तो महंत राम चाय पी लो भाई, चाय ले आओ। रामचंद्र दास, महंत रामचंद्र दास जी ये फौजी जी बाबा माने जाते थे जी, वो हमारी यूनिट में भी आते थे हर संडे को। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि फला दिन जी, दरअसल 15 दिसंबर होगा, ऐसे ऐसे रामलला विराजमान होने हैं, कुछ साथियों को लाना। तो खैर कुल मिलाकर रामलला विराजमान हो गए, और वही रामलला ये 6 दिसंबर है ना, तो मुझे डेट बोल दी, 6 दिसंबर 92 ठीक है ना, 92 जी। जब 5 बजे वो सब मिट्टी में मिल गया, तो एक कार्यकर्ता भागा भागा मंच के ऊपर जी रामलला लेकर अडवाणी जी को देने लगा। अडवाणी जी कह रहे, मेरी तरफ इशारा कर दिया कि प्रेम जी को दे दो। तब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो रामलला, वही रामलला मेरी गोद में आ गए। चार मूर्तियां थी, भगवान राम जी, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। बीएल शर्मा के साथ दूसरी मीटिंग में जब रिपोर्टर ने उनसे राम की मूर्ति को दिव्य शक्ति से प्रकट होने की बात की, तो बीएल शर्मा ने नाराजगी दिखाते हुए ऐसी किसी भी बात के होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मूर्तियों को वहां प्रकट किया गया था। अरे जी, काहे के प्रकट होने वाले प्रकट किया गया है? नहीं, आपके यहाँ गए ये रामदास जी और बुलाया? नहीं नहीं, वो तो प्रमुख थे ना, बड़े ओजस्वी तेजस्वी क्रांतिकारी। नहीं, ये संत महात्मा आर्मी यूनिट में हर रविवार को आते ही थे, तो कहीं आज भी जाते नहीं? उन्हें पहले से कैसे पता था कि ये भगवान प्रकट होने वाले हैं? ये कहे के प्रकट होने से प्रकट किया है
कैसे प्रकट किया वही तो बताइए। यही प्रकट ही है। मतलब भगवान प्रकट नहीं हुए थे? भगवान अब वो एक जन्म नहीं माना जाता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौश मुझे देना कौश नव प्रेम सिंह शेर। बीएल शर्मा ने रिपोर्टर को बताया कि वह तीनों अवसरों पर अयोध्या में मौजूद थे। पहले जब 1949 में रामलला को बाबरी में रखा गया, दूसरी बार 1990 में जब बाबरी मस्जिद को गिराने का पहला असफल प्रयास किया गया, और उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। बीएल शर्मा जो कि इस फर्जीवाड़े का गवाह भी है, उसने यह खुलासा किया कि किस तरह से मनुष्यों के द्वारा स्थापित राम की एक मूर्ति को दिव्य शक्तियों के द्वारा अवतरित बताया गया। इस घटना को भगवान राम के पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया और यहीं से पूरे देश में सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई। लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।